जय जगन्नाथ। मुशीष पटनायक आपको स्वागत करुच्ची आशीष प्रॉपर्टी एंड ओडिया यूट्यूब चैनल को। दर्शक बंधु, प्रत्येक व्यक्ति एक स्वप्न था कि निजर एक घर टे बनेबे। तो निजर से घर टे बनवाई लोक मैंने निजर कष्ट उपार्जित धन को इनभेस्ट करते हैं और से ही समय किसी जन कंट्राक्टर्स आपको ओवरचार्ज कर दिखते जहाँफल कि आपने ओवरपे करती अवेयरनेस अभाव आपने अधिका पे कर बसती। तो कितने टाँग यथार्थ अमाउंट गोटे 1000 square feet घर बनवा के खर्च हुए विषय आज कथा भिडियो। तो 1000 square feet घर बनवा कितने टाँग खर्च हे आसतु कथा भिडियो। जस्ट बेसिक जिनस जोड़ी कि मैंने जोड़ा यूज हम विषय में कथ हाँ जोड़ा कि मैंने एक्सट्रा जिनस जमीक है फॉल सीलिंग हो रेलिंग्स होता विषय में कथ हाँ आम जस्ट गोटे बेसिक गोटे आइडिया ना कि ओवरव्यू ना कि गोटे घर बनवे कितने टाँग खर्च हुए तापर आम पर स्क्वायर फिट चार्जेस देखिए कितने टाँग गोटे घर बनवा के स्क्वायर फिट पिछा कितने टाँग खर्च होती। तो सब जिन आज ओवरव्यू ना भिडियो। तो एंडिंग जाए देखापुर आपने अवेयरनेस पारे कि मैंने गोटे घर बनवा कितने टाँग खर्च हुए। जदि आप ठकामी शिकार होती तो आप बुझे कि कौन से ओवरचार्ज कर मैंने कौन आप अधिका पे कर बुझे। जदि आप चाहते निज मैंने प्रियजन मानक ये सेयार कर अवेयरनेस मैंने देपारे कि मैंने किपर भाव में आज जानपर कि घर के खर्च होती। तो सर्वप्रथम आम देखा 1000 square feet घर कौन कौन खर्च होता है। बेसिक जिनस सीमेंट, तो सीमेंट आमको 500 bag दरकार पड़े। 500 bag गोटे बेसिक आम धरिकी चलिए कि 500 bag धरिकी मैंने जा तो तरह कैलकुलेसन गोटे अधिक कैलकुलेसन अच्छी। तो विषय में नजर गोटे बेसिक ओवरव्यू रखा कि 500 सीमेंटर बैग आम दरकार। तो 500 to 600 bags दरकार पर बैग्र कस्ट होगा 450 टाँग जस्ट गोटे आवरेज आम धरिकी चलिए या बेस भी होते पारे। तो यहाँ 2,25,000 टाँग आपको सीमेंट्रे खर्च हे। स्टिल 4,000 kg स्टिल खर्च हे। ये जस्ट गोटे बेसिक गोटे मिनिमाल अमाउंट आम धरिकी चलिए मिनिमाल गोटे जितकी हो पारे वेट आम धरी चलिए गोटे आवरेज धरिक चलते। तो 4,000 kilos 80 rupees per kilo 60 to 80 taka हो पाए प्राइसा प्राइसा बढ़े कमे। तो सही डिपेंड करे मार्केट सिनेरियो उपर। तो से 4,000 × 80 कल के 3,20,000 taka आप खर्च हे स्टिल। देन सैंड मैंने बाली खर्च हे। आप बाली कितने दरकार 2300 cubic feet आपको दरकार बाली। तो एथेर खर्च होता है गोटे कैंड अफ गोटे हाराज गोटे आकलन करके लिखा जाए कि 1,70,000 taka आप बाली खर्च हे। 1,70,000 taka बाली खर्च होगा एग्रीगेट गोड़ी आप 1200 cubic feet दरकार पड़े गोड़ी। तो 90,000 taka आप गोड़ी में खर्च हे। 90,000 to 1,00,000 taka पाखापाखी आप गोड़ी में खर्च हे। नेक्स्ट आम कथा ईटा विषय में ईटा मैंने ब्रिक्स। तो ब्रिक्स 7 to 10 taka गोटे ईटा जो धरी चले मैंने बहुत ही कम खर्च किसी जगह दामिका ईटा भी थी पारे मैंने डिपेंड करे क्वालिटी उपर। तो ईटा आमको 26,000 ईटा दरकार पड़े। तो 10 taka जो धरिकी चलिए 2,60,000 taka आप ईटा खर्च हे ठीक अच्छे। टाइल्स आपने 500 taka पर बक्स टाइल्स तो बक्स हिसाब से मिले। तो टाइल जब यूज करते तार कस्ट अलग मार्बल यूज कले कस्ट अलग कि मो तरफ मुझ प्रिफर करी टाइल्स यूज कले बेटर हम क्या सर भांगी गले आप रिप्लेस करेंगे मार्बल भी मार्बल टे ड्यूरेबल रहा है कि कस्ट टे बढ़ी जाए कि मार्बल गोटे कैंड गोटे प्रीमियम फिल दिए आपको। तो मार्बलटा भी बेटर हो पड़े मो तरफ मुझे प्रिफरेन्स कहि तो मोर पर्सनाल प्रिफरेन्स रहा मार्बल। तो आम भी मार्बल यूज करम घर तो मार्बल मोर पर्सनाल प्रिफरेन्स रहा। तो टाइल्स 500 per box जब रखा 500 rupees तो से मिले आपको 80,000 to 1,00,000 taka खाली टाइल्स खर्च होते पे अधिक भी खर्च हो पे। जब आप गोटे भल प्रीमियम टाइल कि डोर आउ विंडो जो लगे 1,50,000 taka डोर रे आउ विंडो रे खर्च हो पे। डोर अधिक भी खर्च हो पे आप जब गोटे भल प्रीमियम डोर गोटे किणवे निजे बनवे जब भल काठ बनवे तो 1,50,000 taka मिनिमम खर्च हो पे। 1,50,000 अधिक भी खर्च हो पे 1,50,000 धरी चलिए। पेंटिंग में जो पेंट हुए तो से 80,000 taka खर्च हे। बाकी है जो मैंने प्लम्बिंग अच्छी प्लम्बिंग में 1,00,000 taka पाखापाखी खर्च हे जोटी है मैंने वाटर सप्लाई ड्रेनेज फिटिंग्स 1,00,000 taka पाखापाखी खर्च हे गोटे हाराहारी गोटे आकलन कर। नेक्स्ट आम इलेक्ट्रिकल जहाँ भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग अच्छे जोटे अंडरग्राउंड गोटे तार जाए आगे मैंने केबल लाइन आसे। तो सहीटा आम घर मैंने जो अच्छे अंडरग्राउंड आसी तो से मैंने पर हाउस पाखापाखी 1,00,000 taka पाखी खर्च होता ना कौन बाकी अधिक खर्च होता से। तो आपको प्रिफर कर अंडरग्राउंड जब इलेक्ट्रिकल लाइन आसा बेस प्रिफरेबल आज की डेटे जब गोटे घर अंडरग्राउंड जब मैंने आसूँ इलेक्ट्रिकल लाइन मैंने से गोटे फिटिंग आ दामा घर अधिका रही होती गोटे घर से गोटे कैंड अफ गोटे नुआ फीचर कि गोटे घर जो बिकुंत बिल्डर अच्छा से गोटे नुआ फीचर कि जब अंडरग्राउंड वे आसू इलेक्ट्रिकल लाइन तो सेटा भी गोटे कैंड अफ गोटे बहुत ही सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल लाइन में 1,00,000 taka पर पाखापी गोटे घर पाखा खर्च होती। तो यहाँ तो एक्सट्रा यहाँ जब करेंगे तो 2,00,000 taka खर्च होती कितना मुझे बेसिक कहूँ यहाँ 1,00,000 taka खर्च हे। बाकी मिसेलेनियस थिंग्स जमीक रेलिंग बा फॉल्स सेलिंग सेटा में ऐड करने लेबर चार्ज से कथा बा लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने कॉन्ट्रैक्टरी जो मैंने करन जो कॉन्ट्रैक्टर था कितना टाँग निंती से। तो 200 to 250 नवा कथा पर स्क्वायर फिट मार्केट हिसाब से रेट अच्छी किंतु अधिका भी कि जन चार्ज करते आम 300 धरीपारे कि अधिकाटा धरी चलिए कहीं रेट के फिक्स न था रेट सब मैंने मैंने के मैंने मार्केट डिमांड पर डिपेंड करे डिमांड एंड सप्लाय। तो 200 taka धरी चलिए 1,000 square feet को 200 धरले कितने 2,00,000 taka खर्च होगा लेबर में अधिक खर्च हो निश्चित भाव यहाँ बहुत कम धरा है 2,00,000 taka टोटाल आम मानिक चलिए कि 1,800 जब गोटे स्क्वायर फिट है 1,18,000 taka टोटाल आप खर्च हे।
तो 1,000 square feet एक घर बनवाई आपंकर खर्च हे 18,00,000 टाँचा बाकी जमी आपड़ कि तो जमी कि पाखापाखि देढ़ गुंठ जमी आप मिनिमम कि देढ़ गुंठ जमी जमी जब गुंठ को 10,00,000 धरवे तो देढ़ गुंठ को कितने 15,00,000 होगा 15,00,000 रू 18,00,000 जब मिसेबे तो 23,00,000 पाखापाखि गोटे घर बनवाई आपको मिनिमम 35,00,000 to 40,00,000 मिनिमम दरकार गोटे घर बनवाई सिंगल स्टोरी हाउस क्या कहूँ 40,00,000 पाखापाखि धरी चलते गोटे मिनिमम गोटे घर बनवाई 40,00,000 दरकार मिनिमम गोटे 1,000 square feet घर भल बनवाई 40,00,000 मिनिमम दरकार गोटे गोटे भल घर बनवाई तो ये प्रत्येक स्क्वायर फीट को हम मान चलो तदी आमको धर जो 700 square feet जाने तो 700 into 1800 कले ये आम के बाहर पर स्क्वायर फीट को 1800 टाँग बाहर आम जो 1,000 डिवाइड करा पर स्क्वायर फीट को 1800 टाँग बाहर तो पाखापाखि 1800 to 1900 टाँग ये पाखापाखि मिनिमम जोटा कि अच्छी 1800 to 1900 बाकी जब आप एक्सट्रा आड कर एक्स्ट्रा जदि ऐड करेंगे तो सहीटा आपंकर एक्सट्रा कॉस्ट आसपे जदि आप सब जिन देखिए यार एक्चुअली कॉस्ट आसो पाखापाखि 1700 किंतु बाकी जो 100 सेटा लेबर चार्जेस एंड मिसलेनियस अन्यथा अच्छी सब जिन जब आप निजे करेंगे घर तो 1800 to 1900 खर्च हो जब कि बिल्डर करेंगे बिल्डर निश्चित भाव आप 2500 चार्ज करेंगे अथवा 2200 ना किसी जन तो 3000 भी चार्ज करते एमती भी थाए तो जहाँ भी आपको 2500 पाखापाखि 2300 to 2200 एमती सब रेट मिले तो पाखापाखि से पर स्क्वायर फिट को 500 टाँग प्रॉफिट होगा तो पर स्क्वायर फिट जब 500 टाँग प्रॉफिट होगा तो 500 into 1000 करूँ के पाखापाखि 500 into 1000 जब करेंगे तो पर गोटे घर बनवाई 5,00,000 टाँग खाली कंट्राक्टरी मैंने खाली बनवाई 5,00,000 टाँग प्रॉफिट होगा तो गोटे घर बनवा पचर में 5,00,000 टाँग प्रॉफिट होगा जब से 500 टाँग प्रॉफिट करेंगे देखिए बढ़ते कॉस्ट बहुत ही कम आसे तो मैंने जब सब मैंने गोटे जगह कि डोर विंडो जो 1,50,000 टाँग खर्च होगा सी एक थे कि 10-15 कि मैंने होलसेल रेट में किए तो सही टाइम कॉस्ट कमी मार्जिनटा बेसी बढ़ीज तो सही टाइम जो अधिका प्रीमियम चार्ज करेंगे तो कॉस्टा प्रति घर पिछा पाखापाखि 5,00,000 तो मिनिमम आम धरिकी चलिए 5,00,000 अधिका भी प्रॉफिट हो पाए बाकी जमी जो किए से जमीर एप्रिसीएसन रेट हम तार भी अधिका प्रॉफिट अच्छी बेसी प्रॉफिट है जमीर जमी धर जो कितने गुंठ 10,00,000 तो बिकला टाइम धर जो वर्षे पर बिकले गुंठ 20,00,000 तो पैसा जो वैल्यू अच्छी टाइम वैल्यू ऑफ मनी सेटा भी जब डिपेंड कर तथा 10% काटदे 9,00,000 टाँग प्रॉफिट है बाकी 1,00,000 टाँग काटदेव से जो इंटरेस्ट रेट को जब काट 10,00,000 मैंने 1,00,000 काटदे 10% काटदे बाकी 9,00,000 टाँग प्रॉफिट है 9,00,000 से प्रॉफिट आठ जब करवा 9,00,000 कौन बेसी भी मैंने 8,00,000 पाखापाखि गोटे घर प्रॉफिट बाकी 5,00,000 पाखापी गोटे घर बिकी देले मैंने जब गोटे घर आम जब 20,00,000 बिकुचे तो कोटे टाँग घर आम पाखापाखि 20-25,00,000 टाँग प्रॉफिट बाहर जो 8,00,000 मैंने जब कंस्ट्रक्शन चार्जेस मिसेवा गोटे घर पिछा पाखापाखि जब बिक्री हम तो 20,00,000 जब घर थी से 20,00,000 घर पाखापाखि 20-25,00,000 तो खाली प्रॉफिट रे बाहर तो एमती भावंतु जब 50 घर होगा 10 घर कले 2.5 कोटी प्रॉफिट 10 घर कले 2.5 कोटी प्रॉफिट 20 घर 5 कोटी प्रॉफिट 30 घर 7.5 कोटी प्रॉफिट जब 40 घर करेंगे तो कैसे है 10 कोटी टाँग प्रॉफिट तो यही टाइप हम कैलकुलेशन कराए और सही टाइप हम कैलकुलेशन कराए कि एक्सपैंड कराए प्रोजेक्ट उपर प्रोजेक्ट बनाए और सही टाइप रही गोटे एम्पायर एस्टाब्लीश कराए तो रियल एस्टेट सही सेम जिन मैंने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उपर डिपेंड करे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बहुत पैसा बाहरी पारे और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट छड़ा सबुठ अधिक पैसा बाहर कौटू ना गुंठ पिछा जो पैसा खर्च कराए तो से अधिक प्रॉफिट बाहर तो सही टाइप अर्निंग आज जब आप गोटे डुप्लेक्स किंतु आप जब 20,00,000 पे करते भाई नि 20,00,000 पाखापाखि स्ट्रेट पॉकेट को जो एज ए प्रॉफिट जब गुंठ पिछा एप्रिसिएशन होती 20,00,000 मानी चलिए एप्रिसिएशन न हो मिनिमम टू मिनिमम आप मानी चलते 10-15,00,000 गोटे घर पिछा प्रॉफिट मिनिमम मिनिमम 10-15,00,000 गोटे घर पिछा प्रॉफिट 1 crore घर 10-15,00,000 प्रॉफिट जब प्रीमियम एड कर सोसाइटी बना हो तो सोसाइटी आहरी खर्च अच्छी आहरी 10-20,00,000 से एड कर देखिए आम जो एमिनिटीज अच्छी पार्क अच्छी जिम अच्छी आम दौर आपको तो आप आहरी 20,00,000 पे करेंगे प्रीमियम पे करेंगे तार आउट आउ 20,00,000 प्रॉफिट तो सही टाइप कहे गोटे घर पिछा भाई 30-40,00,000 प्रॉफिट जीव सही टाइप भाव तो 10 घर बिकले 4 crore प्रॉफिट 20 घर बिकले 8 crore सेमती भाभी पारे 12 crore तापर 16 crore एमती 20 crore एमती मैंने मैंने यही टाइप हम प्रॉफिट कराए तो सही टाइम गोटे प्रॉफिट प्रॉफिटर फॉर्मूला तो किपर भाव प्रॉफिटेबल था बिजनेस और किपर भाव इतने पैसा इनकम हो गए रियल एस्टेट रू तो सही है यहाँ सिंपल जिन बुझे पाइले पर स्क्वायर फिट खर्च कितने तो सही आप निजे बनवे कितने खर्च हे आदि सोसाइटी आप गोटे घर कि टाँग खर्च हे आम आज बुझे भिडियो तो आशा करती आपने भिडियो पसंद करते हैं आपको जब इनफर्मेटिव लगे तो प्लीज सेयर करते निजर प्रियजन मानक भी सेयर करते अवेयरनेस फैलतु कि आपड़ जब गोटे घर निजे करेंगे तो कैसे टाँग खर्च हे आज जब किए तो कैसे खर्च हे कि द्वारा आपने के प्रॉफिट देते कितने टाँग निजे करते खर्च होता विषय में जानक पाइले तो कथी है ये कथा आम समाप्त कर आगामी दिन में बहुत सारा अनेक सारा भिडियो बनवा प्लानिंग अच्छी आशा करती आपने टाइप भल पाइबा बनई रखते हैं प्रभु जगन्नाथ कृपा आम आगे भी बढ़ चलता तो ये कहकर आज भिडियो समाप्त करती आशा करती आप भिडियो पसंद सहित प्लीज लाइक सेयर सब्सक्राइब करते आशीष प्रॉपर्टी ग्रैंड ओडिया यूट्यूब चैनल को जय जगन्नाथ बंदे उत्को जानी जय ओडिया रही नमस्कार धन्यवाद।